हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका विज्ञान क्लासेस में। जी आज मैं आपको बताऊंगा पंजाब की जीके के बारे में। पंजाब का जीके जो कि एक पेपर है पीएसपीसीएल का, उसकी में जीके आने वाली है पंजाब की। तो ये पार्ट 3 है, ये है पार्ट 3। मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ये है पार्ट 3, तो पार्ट 3 जीके का है। तो सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, जान लेते हैं थॉट क्या है। द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, आगे बढ़ने का सीक्रेट यही है, शुरू कर दो, वर्क शुरू कर दो। साथ पहला क्वेश्चन लिया मैंने, द ओनली पंजाबी नॉवलिस्ट टू गेट द प्रेस्टिजियस जनपथ अवार्ड। तो किस पंजाबी नॉवलिस्ट को सबसे पहले, जो कि सिर्फ पंजाबी नॉवलिस्ट है जिनको जनपथ अवार्ड मिला है। जनपथ अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने लिटरेचर में कुछ काम किया हो, लिटरेचर वर्क किया हो, लिटरेचर में कुछ प्रसिद्धि हासिल की हो, इसके लिए कुछ काम किया हो लिटरेचर के लिए। तो उन वो है हमारे गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह ओनली पंजाबी है जो कि नॉवलिस्ट मिला है उसे, उनको ऑनरेबल जनपथ अवार्ड। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी कहते हैं ये अवार्ड। तो ये बहुत पुराना अवार्ड है, ये सब बहुत लोगों को मिला है, बहुत लोगों को मिला हुआ है। तो उन्होंने अवार्ड 2000 में मिला था, जो कि लिटरेसी अवार्ड है पूरा इंडिया में है। तो उस एक और भी है पंजाबी राइटर जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है, तो वो है हमारे अमृता प्रीतम, जो कि गायक हैं, उनको भी ये लिटरेचर में अवार्ड मिला हुआ है जनपथ। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस, 2011 सेंसिस की बात चल रही है हमारे लिटरेसी रेट की। सेंसिस में मतलब यहाँ पर से साक्षरता, पढ़ाई कितनी है पंजाब में, कितनी देखी गई है। तो पंजाब में 75.8 साक्षरता है, 2011 का सेंसिस हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस इन पंजाब। इनहेबिटेड का मतलब रहने योग्य जो विलेजेस हैं, वे लोग रहते हैं, वो कितने हैं 2011 के अनुसार। तो वो है टोटल 12,581, 12,581 विलेजेस हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस, जो कि हाउ मच द टोटल पॉपुलेशन इन पंजाब, पंजाब में कितनी पॉपुलेशन है, 2.77 करोड़, 2.77 करोड़ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ट्रेन स्टॉप्स एट विच रेलवे स्टेशन ऑफ द स्टेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन कहाँ रुकती हैं पंजाब में, तो सबसे ज़्यादा इसका आंसर है लुधियाना। जी हाँ, लुधियाना सबसे ज़्यादा रुकती हैं, ऑलमोस्ट 250 डेली ट्रेन रुकती हैं। क्लियर है। द रेलवे स्टेशन डिवीजन विच हैज़ हेडक्वार्टर इन पंजाब, यू नेम इट। तो ऐसा कौन सा है जिसका हेडक्वार्टर रेलवे का, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, रेलवे का हेडक्वार्टर कौन है जो कि पंजाब में हेडक्वार्टर। तो मैं बता दूं, रेलवे का हेडक्वार्टर है फिरोजपुर कैंट, ये नॉर्थ हमारे नॉर्थ फ्रंटियर में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये यहाँ पर जो हेडक्वार्टर होते हैं, वो पूरा मेन जानकारी देते हैं, पूरा मतलब कि इसके अंडर ही सारे जो रूट्स आते हैं, स्टेशन आते हैं, सारे इसके अंडर आते हैं। और अम्बाला कैंट भी है डिवीज़न, तो ये डिवीज़न आर इन द नॉर्थन रेलवे जोन, ये नॉर्थन रेलवे जोन में है। तो कहाँ है हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर है हमारा, दैट इज़ फिरोजपुर कैंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सिटी ऑफ पंजाब इज नोन एज इंडस्ट्रियल कैपिटल। तो लुधियाना को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटल, बिकॉज लुधियाना में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज़ होता है वहाँ पर, मशीनें लगी हुई हैं, तो इस कारण वहाँ पर उसे, इट इज उसको हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो हमारा लुधियाना होते हैं। चीफ मिनिस्टर सब वो बिकम द चीफ मिनिस्टर पंजाब मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कौन से चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, तो वो रहे हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल, यानी बी इज़ द राइट आंसर, जो कि 1970 में, 1977 में रहे हैं, उसके बाद 1997 में, फिर 2007 में और 2012 में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। तो कौन था जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में, वो थे हमारे शूटर, जो डेट इज गोल्ड मेडल शूटिंग में जीता था एयर राइफल में, डेट इज अभिनव बिंद्रा ने। तो वो अभिनव बिंद्रा का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, जीरकपुर से। तो उन्होंने शूटिंग रेंज बनाई थी अपने घर में उसको ट्रेनिंग देने के लिए, तो जो बीजिंग में हुआ था ओलंपिक गेम्स 2008 की, तब उन्होंने जीता था अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल। वी आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइन कांडी एरिया। कांडी एरिया कौन से होते हैं जो शिवालिक की पहाड़ियों के नज़दीक होते हैं, फुटली फुटी फुटी एरिया होते हैं शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे, शिवालिक की पहाड़ियों के नज़दीक होते हैं, तो उसको कहते हैं कांडी एरिया। तो वो है दो होशियारपुर और पठानकोट, होशियारपुर का ज़्यादा हिस्सा ही पड़ता है उसके साथ,
कांदी के साथ, तो पठानकोट दोनों फॉल करते हैं कांदी एरिया में, क्लियर है। और भी है थोड़े थोड़े लाइक कर रहे थे, रोपड़ हो गया, नवा शहर हो गया, मोहाली एरिया, इसको भी थोड़ा सा कह सकते हैं इनका थोड़ा सा हिस्सा जो कि नाल लगता है कांदी एरिया के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी होशियारपुर एंड सॉरी हमारा आंसर हो गया डी होशियारपुर एंड पठानकोट, बिकॉज पठानकोट इज आल्सो फॉल इन द कांदी एरिया ऑफ पंजाब। वो इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का, तो वो खुद होते हैं जो चीफ मिनिस्टर होता है। तो अभी तो कमान इन्होंने संभाली हुई है अमरिंदर सिंह ने, जो कि जो पंजाब पुलिस है वो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है, तो उसके जो मेन होते हैं इंचार्ज वो सीएम होता है। तो इसका इंचार्ज कौन हो सकते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि अभी पंजाब के क्या हैं चीफ मिनिस्टर है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंजाब। कौन सी सिटी है पंजाब में जो बॉर्डर, विच सिटी टाउन ऑफ पंजाब इज नीरेस्ट टू द बॉर्डर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कोई टाउन कौन सा है वो जो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ लगता है, तो वो है हमारा डेरा बाबा नानक। और डेरा बाबा नानक एक स्मॉल टाउन है जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो जो कि बिल्कुल नज़दीक है पाकिस्तान बॉर्डर के, जो कि अराउंड 1 किलोमीटर है बॉर्डर से बिल्कुल नज़दीक। तो कौन है वो, डेरा बाबा नानक। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स प्रेजिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड। प्रेजिडेंट रूल क्या होता है भी, जब भी प्रेजिडेंट रूल तब लगता है जब हमारी स्टेट की गवर्नमेंट फेल हो जाए, या तो उनको सीटें ना मिले प्रॉपर तरह से या किसी भी तरह फेल हो जाए, तब वो लगता है प्रेजिडेंट रूल। मतलब तब स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती, तब काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, उनके जो मेन है वो है प्रेजिडेंट, तो वो प्रेजिडेंट के सारा अंडर हाथ में होता है। जब प्रोक्लेमेशन होती है स्टेट के, स्टेट में प्रोक्लेमेशन मतलब क्या होता है कि पूरे रूल्स बताए जाते हैं, तब जाके ये बाद में उस समय ये रूल है लग जाता है प्रेजिडेंट रूल। तो रेजिडेंट ही सबका, ये प्रेजिडेंट ही होता है जो इसके बारे में जानकारी देता है और पूरा इसके अंडर होता है जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाए। तो कौन सी गवर्नमेंट लग जाती है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे एक दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट की और एक सेंट्रल की। जब स्टेट फेल हो जाए तो सेंट्रल लग जाती है, तो उसे कहते हैं प्रेजिडेंट रूल लग गया। तो पंजाब में कितनी टाइम लगा है, पंजाब में लगा 8 टाइम्स। तो मोस्टली जो लगा है वो लगा यूपी में, बता दूँ आपको यूपी में 10 टाइम्स लग चुका है प्रेजिडेंट रूल, क्लियर है। तो 8 टाइम्स लगा है पंजाब में। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट सिटीज़। लार्जेस्ट सिटीज़ कौन सी हैं हमारे पंजाब में, जैसे लुधियाना 161, जैसे 1,618,789 जो पॉपुलेशन है इसकी, अमृतसर की इतनी है, उसके बाद जलंधर आती है, उसके बाद आता है पटियाला। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास जो कि पॉपुलेशन और सिटीज़ है लार्जेस्ट इन पंजाब। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब 2016 में पंजाब की पॉपुलेशन कितनी थी, तो सेंसिस 2011 के मुताबिक 27.7 मिलियन जो थी पंजाब की पॉपुलेशन थी। सिखिज्म में जो कि बहुत पंजाब में है, उनकी जो वैल्यू थी पॉपुलेशन इतनी थी, जो सिख फेथ और जो इतने थे वो की थे प्रैक्टिसेस हिंदुज़म। व्हाट रिलीजन इज इन द पंजाब, द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश आर मोस्टली हिंदूज मेजोरिटी। सिखिज्म फाउंड इन द लेट 15th सेंचुरी में सिखिज्म फाउंड हुआ था, जो कि मेन रिलीजन है प्रैक्टिस जो कि पंजाब में, ठीक है, 1966 में। अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन पंजाब स्टेट इज सिख। 60% क्या है पॉपुलेशन, सिख है, 37% हिंदू है, एंड द रेस्ट आर मुस्लिम क्रिश्चियंस एंड जैन्स। ये जो है पंजाब में रिलीजन्स हैं। हाउ मैनी तहसील्स आर इन द पंजाब इंडिया। पंजाब में हमेशा, पंजाब में 82 तहसील्स हैं एंड 87 क्या हैं सब तहसील्स हैं। फॉर सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज द स्टेट ऑफ पंजाब इज डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन। पंजाब को 5 डिवीजन में बांटा गया है और डिवाइडेड इनटू 22 डिस्ट्रिक्ट। मैंने पहले बताया था 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट को भी आगे सब डिवीजन में तहसील में बांटा गया है। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डैम, सेकेंड लार्जेस्ट डैम कौन सी है, भाखड़ा नंगल डैम, जो कि लार्जेस्ट डैम इन पंजाब है। इट इज़ सिचुएटेड क्लोज द सतलुज रिवर के नज़दीक बनी है और इसकी ग्रेविटी टाइप डैम है। ग्रेविटी टाइप का मतलब होता है पानी ऊपर से नीचे गिरता है, उस तो ग्रेविटी की हेल्प से क्या होता है उस टर्बाइन में मोशन आता है, ग्रेविटी की हेल्प से जो पानी नीचे गिरता है। तो द हाइट ऑफ भाखड़ा नंगल डैम 225 मीटर्स है, दैट इज इक्वल टू 738.189 फीट है जिसकी। वट इज़ द स्टेपल फूड, स्टेपल मतलब होता है जो कि रहने वहाँ का किसी स्टेट का किसे जो कि लोग खाते हैं पसंद करते हैं, स्टेपल फूड कौन सा है, तो मोस्टली जो मेजर प्रोड्यूसर है जो पंजाब है वो वीट, गेहूँ, चावल और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध वगैरह,
क्लियर है, दीज प्रोडक्ट्स आल्सो फ्रॉम स्टेपल डाइट ऑफ पंजाबी पीपल, पंजाबी पीपल की स्टेपल डाइट है, रोजाना डाइट है। तो हाईएस्ट कैपिटल यूज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाने लगते हैं, क्योंकि गाय वगैरह मिल्क के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इसी कारण पंजाब का स्टेपल फूड ये है। नेक्स्ट, और इधर ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पंजाब, पंजाब की ड्रेस कौन सी है, कुर्ता, ट्रेडिशनल ड्रेस मैन की जो ड्रेस है वो कुर्ता एंड तहमात है, और इज द विच इज़ रिप्लेस्ड बाय द कुर्ता एंड पजामा, पहले इसको तहमत कहते थे तो अब पजामा के रिप्लेस हो गया नेम से, क्योंकि पॉपुलर मुख्तसरी स्टाइल है इंडिया में। द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर वुमेन क्या है, वुमेन के पास सलवार सूट, और जो कि ट्रेडिशनल पंजाबी घाघरा के साथ रिप्लेस हुई है, पहले घाघरा कहते थे अब पंजाबी सूट सलवार सूट कहते हैं, तो ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं पंजाब की। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ पंजाब, लोहड़ी जो है जो कि विंटर हार्वेस्ट मतलब कि कटाई वगैरह होती है विंटर में, तो उसमें मनाया जाता है रीजन ट्रेडिशनल टाइम टू हार्वेस्ट शुगर केन, गन्ने की खेती जब काटते हैं। द फेस्टिवल आल्सो इज सिंबॉलिक सेलिब्रेशन ऑफ द विंटर सोलस्टिस एंड द लास्ट डे ऑफ द फार्मर्स फाइनेंशियल डे, क्लियर है। तो लोहड़ी क्या है, मेन फेस्टिवल है पंजाब का। तो व्हाट लैंग्वेज डू दे स्पीक इन पंजाब, पंजाब में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बहुत सारा पुरानी है, इंडो आर्यन लैंग्वेज है पंजाबी जो है, इंडो आर्यन लैंग्वेज, इट इज़ अ नेटिव लैंग्वेज अबाउट 130 मिलियन पीपल्स एंड इट इज़ अ 10th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, 10th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज वर्ल्ड है। पंजाबी बहुत जगह बोली जाती है, पंजाब में, पाकिस्तान में, हरियाणा में, हिमाचल में, दिल्ली में, तो बहुत जगह बोली जाती है, तो ये 10th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। व्हाट इज़ द क्लाइमेट इन पंजाब, पंजाब में क्लाइमेट कैसा, मौसम, क्लाइमेट ऑफ रीजन इज द कैरेक्टराइज्ड बाय 3 सीजन होते हैं मेन, जो एक कूल सीजन होता है जो अक्टूबर से फरवरी, एक क्लाइमेट इज माइल्ड एट पंजाब जो अभी चल रहा है वो पंजाब में एट दिस टाइम, बट द साउथ ऑफ इंडिया रिमेन्स हॉट, जो साउथ होता है वो हॉट होता है, द हॉट सीजन होता है मार्च टू जून, इसमें अप टू 49-50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है जिस सीजन में, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट डस तियां मीन्स, तियां जो है एक पंजाबी में फेस्टिवल है जिसे तीज भी कहते हैं, जो कि पंजाब एंड हरियाणा में मनाया जाता है, जिसे हरियाली तीज कहते हैं हरियाणा में, जो कि डेडिकेट किया जाता है मानसून एंड डॉटर्स एंड सिस्टर, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, जो कि लड़कियां मनाती हैं मोस्टली इस त्यौहार को, उसे तीज का त्यौहार और तियां का त्यौहार भी कहते हैं, कि पंजाब में मनाया जाता है और डेडिकेट किया जाता है, मानसून को भी डेडिकेट किया जाता है, डॉटर्स को और सिस्टर को। शाहमुखी पंजाबी का क्या मतलब है, शाहमुखी का मतलब होता है किंग्स माउथ, तो इसे परसो अरबिक अल्फ़ाबेट कहते हैं जो यूज़ करते थे मुस्लिम यूज़ करते थे जो इस पंजाबी को, तो उसे शाहमुखी कहते थे, तो वो पंजाबी जो लिखते हैं तो परसो अरबिक में लिखते हैं, जो कि वन ऑफ द 2 स्क्रिप्ट यूज फॉर पंजाबी एंड द अदर बीइंग गुरमुखी, दूसरी है गुरमुखी, इसको गुरमुखी भी कहते हैं शाहमुखी को। हु इज़ द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब, पंजाब का भी न्यू एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने, अरुणा चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी न्यू क्या बने, एजुकेशन मिनिस्टर, क्लियर है, शिक्षा मंत्री। तो जो इंडियन पॉलिटिशियन है और वो इंडियन नेशनल INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं, तो वो चीज़ है मिनिस्टर इन द करंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट एंड हेड्स द एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये बता दिया आपको, वो हेड करते हैं। तो 15th पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो MLA थे और वो दीनानगर कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते, रिप्रेजेंट करते। वो इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब, अभी पंजाब का करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, परमिंदर सिंह ढींडसा, तो ये क्या है, इंडियन पॉलिटिशियन है जो कि रूरल श्रोमणी अकाली दल से बिलोंग करते हैं, और वो फाइनेंस मतलब होता है जैसे पैसे की जो भी जानकारी होती है, जो भी पैसे के बारे में बांटना होता है, किसी को देना होता है, तो फाइनेंस पूरा जो पंजाब का फाइनेंस है इन फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर होता है, तो वो कौन है अभी, दैट इज़ परमिंदर सिंह ढींडसा, जो कि प्रीवियस पंजाब गवर्नमेंट के लीडर थे। तो नेक्स्ट, पंजाबी क्लोथिंग मैंने बता दिया पहले ही, तो पहले बता चुका हूँ, मैंने बताया पंजाब एंड पेप्सू मर्ज, पेप्सू और पंजाब आपस में मर्ज कब हुए थे, मिले कब थे, ये मिले थे 1 नवंबर 1956 में, अ पार्ट ऑफ द फॉर्मर स्टेट ऑफ पेप्सू इंक्लूडिंग द साउथ ईस्टर्न पोर्शन अराउंड जिंद एंड नरनौल इनक्लेव प्रेजेंटली लाइव इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, तो पहले सेपरेट थे और एक जो ये दोनों सारे जो के पंजाब के जो स्टेट थे, तो 1 जनवरी को ये पेप्सू और पंजाब जो मर्ज हो गए थे 1956 में, क्लियर है। अब फिर सेपरेट हो गए, उन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि बाद में वो सेपरेट हो गए 1966 में, फिर सेपरेट हो गए थे, पहले मर्ज हुए थे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें,
ऐसी वीडियो और लेके आता रहूँगा, आपको नई नई और भी जानकारी दूंगा। और क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं SBI का, कोई भी एग्ज़ाम आता है PSC या IAS का, तो IAS के ट्रिक्स भी बताता हूँ मैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज PCS, तो सारे एग्ज़ाम के ट्रिक बताऊँगा। अब जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।